है बीएनपी न्यूज, मैं आपके साथ अंकित सांडिल्या। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रवि कुमार, ये एनएसयूआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं और साथ ही दो जिलों का प्रभार ये संभाल रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे हम किसान मुद्दे पे, तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पूर्ण परिचय दें, कहाँ से आपने शुरुआत किया राजनीतिक जीवन का, छात्र संघ से लेके अभी तक का। जी पहले तो सबसे पहले मैं बीएनपी न्यूज़ के पूरे टीम को और बीएनपी न्यूज़ के डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के कार्यक्रम के दौरान किसान बिल पे बात करने के लिए यहाँ बुलाया। इसके लिए आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मेरा नाम रवि कुमार है और वर्तमान में मैं बिहार का प्रदेश सचिव हूँ और दो जिला खगड़िया और लखीसराय का प्रभारी भी हूँ। आप ये कांग्रेस में, आखिर एनएसयूआई में आप हैं, फिर ये कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप अभी किसान बिल पे जो पूरा समर्थन आपका दिख रहा है, तो ये कांग्रेस का जो बिल, ये अभी कांग्रेस पहले लाना चाहती थी 2006 में, एनसीपी के नेता शरद पवार के द्वारा ये लाया जाना था, लेकिन उस समय ये नहीं हुआ। तो अब जब बीजेपी की सरकार ये कांग्रेस का जो बिल था पहले, वो अभी लाई है, तो इस पे विरोध क्यों? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, मैं एनएसयूआई से हूँ और कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस जो कार्य कर रही है और जो कार्य के लिए हम लोग प्रतिदिन आम जनमानस की सेवा में लगे रहते हैं, वह इसमें ना तो भिन्नता एनएसयूआई से ना कांग्रेस से, ये दोनों एक साथ समन्वय से, इनके जितने भी विंग हैं वो एक साथ समन्वय से काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कानून पहले सदन में पास होते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं, फिर उस पर अंतरिम मोहर राष्ट्रपति का लगता है। तो किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को, कोई कानून को बनाने के लिए एक दिन की बात नहीं होती है, वो लगातार उस पर समीक्षाएँ होती है, बैठक होते हैं, आम जनमानस से राय लिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि 2006 में जब शरद पवार थे तो उस समय भी लाया गया, उसमें समीक्षा होती है, उसमें लोगों से, आम जनमानस से, यह लोकतंत्र है, यहाँ पे जितने आम जनमानस हैं, लोगों की बातों को सुनना, समझना, लोगों की मन की बातों को सुनना, अपने मन की बात तो सब करते, लोगों की मन की बातों को सुनना, समझना, उसके बाद कानून को निरंतर रूप से लाना, ये प्रोसेस रहा होगा उस समय, उस समय ये प्रोसेस रहा होगा और उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी आई होगी कोई ना कोई, इसीलिए उस बिल को उस समय नहीं लाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसान के साथ थी तो इतने दिन से किसान क्यों नहीं अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर रहे थे? अब जब बिल लाई है तो इससे क्या उसका और जीवन यापन अंतिम पंक्ति में चला जाएगा? पहले क्यों नहीं अच्छी थी जब कांग्रेस की सरकार? देखिए, एक चीज़ आप समझने की चीज़ है, मैं इसको आपको मैं बताना चाहता हूँ, अन्न के कण और आनंद के क्षण इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और छोड़ते भी नहीं। लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार युवाओं के साथ, उनके डिग्रियों के साथ खिलवाड़ किया है, रोजगार की जो मुद्दा थी, जो पूरे देश में बढ़ चढ़ के युवा रोडों पे सड़क से सदन तक आंदोलन कर रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो उनके जो युवा होते हैं उनके लिए आनंद का क्षण आज के समय में उनका रोजगार ही है और उनसे रोजगार छीन लिया गया, तो आनंद का क्षण तो पहले ही ख़त्म हो चुका। उसके बाद हम आता हूँ अन्न के कण, जिस तरह से किसानों पर प्रहार है, पुलिसिया दमन किया जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों के साथ उनके जो, अब मैं फिर आऊँगा उस बात पे, लेकिन मैं एक लाइन में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, एमएसपी जिसको आप कहते हैं, वो किसानों को हमने, जब आपने शरद पवार की बात की, 2006 के कानून की बात की, तो उस समय हमने इसी चीज़ में फेरबदल करके किसानों के हित में लाने का काम किया था, इसीलिए कुछ समय अधिक लग रहे थे, इसलिए उस समय कानून नहीं बन पाया। अभी वर्तमान सरकार में जब पूरा देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जब पूरा लोग, आम जनमानस कोरोना के डर से अपने घर में छिपे हुए हैं, उनके बचाव, उनके रोकथाम के लिए पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, उस बीच में इस काला कानून को लाना, इस कानून को लाना
कहीं से कोई ये, लेकिन सरकार तो कह रही है ये जो MSP है इस पे किसान को फायदा होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपना सामान बेच सकते हैं, बिल्कुल इसका दावा कर रही बिल्कुल, है सरकार। बिल्कुल, मैं कह जाना चाहता हूँ, देखिए आप कथनी और करनी दोनों में फर्क होता है, ठीक है, कहने के लिए इस मुंह से आप कुछ भी कह सकते हैं, आप 15 लाख रुपया भी एक एक आदमी को दे रहे थे, ठीक है, आप रोजगार की बात किए थे, 120 करोड़ 125 करोड़ जनता की बात किए थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत में युवाओं की जो भारत जो अभी वर्तमान भारत है वो युवाओं की भारत है और 70% आबादी है भारत में, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इन्हें ठगने का काम किया है, तो आपने जब लिखित रूप से कोई चीज़ को करते हैं उसको एक धारा बना के, एक कानून बना के, आपके कह देने से MSP नहीं हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होते हैं वो किसानों को नहीं मिल पाएंगे। उसका पूरा प्रोपगेंडा आप तैयार कीजिए, लिखित रूप से उसको कानून में लाइए, तब वो किसान तो रोज ट्वीट कर रहे हैं कि MSP नहीं खत्म होने जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में बेच सकते हैं। मैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये ट्वीट ये लिखित में ये नहीं है क्या? देखिए मैं इस पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर पूरा उसका बिल में उसको लाया जाए, उसको एक प्रारूप जिस तरह से किसान बिल का निकाला गया है, बनाया गया, कानून बनाया गया, उसमें लाया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य को दरकिनार किया है, जिस तरह से आपने उसको छोड़ दिया है, कहीं भी किसी भी प्रारूप में किसी भी जगह उनका स्थान नहीं दिया है, यह तो घोर निंदनीय बात है किसान के लिए, घोर या तो काला कानून। क्या हमको लगता है कि आने वाले दिन में सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जो है वो किसान विरोधी ही सरकार है? अच्छा, अगर MSP की गारंटी अगर सरकार दे दे के, क्या ये काला कानून से उजला कानून बन जाएगा? देखिए उजला किरण तो उसी समय धूमिल हो गई थी जब किसान हमारे रोड पे आज 17 दिन से आ गए। अगर या किरण की उम्मीद अगर जगती तो किसान आंदोलन में जितने भी लोग थे उनके नेताओं को बुलाकर एक सर्वदलीय मीटिंग करते, या फिर किसान के नेताओं को बुलाकर मीटिंग करते, जय जवान और जय किसान का नारा जो सरकार ने दी थी, आज वो जय जवान और जय किसान कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तो पहले ही सरकार उन लोगों को बुलाकर मीटिंग करती, उनसे बातें करती, और इतना बड़ा जो देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है वह इतना बड़ा आंदोलन का प्रारूप पूरा देश नहीं लेता। अधिकांश राज्य जो है इस बिल का समर्थन दे रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं दे रही है? देखिए नहीं लगता है कि ये एजेंडा हो? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पूरे नेट पे सर्च करके देख लीजिए, मैं झूठा बयानबाजी करने के लिए आपके स्टूडियो में नहीं आया हूँ। पूरे नेट पे आप सर्च करके देख लीजिए, उस पे आप सर्च कीजिए कि जितने भी राज्य में कांग्रेस शासित राज्य हैं, जितने भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उसमें जितने किसान थे उनका जो कर्ज था उनको कांग्रेस ने सरकार में आते ही अगर पहली कलम किसी पे चली तो वह किसान के जो कर्ज था उसको माफ़ करने पे चली। तो कांग्रेस कैसे नहीं किसानों के साथ? कांग्रेस तो हमेशा किसानों के साथ रहा है। ये तो झूठा प्रोपगंडा का हम समर्थन नहीं कर सकते। किसानों के का दमन जो हो रहा है, उनके कानून को जो उनके उस पर थोपा जा रहा है, उनका हम लोग समर्थन नहीं कर सकते। ये सिर्फ एजेंडा, आप कांग्रेस की ही नहीं बात करते हैं, कांग्रेस ही नहीं अन्य भी जो पार्टियां हैं विपक्षी वो सब मिलके, आखिर पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों, अन्य राज्यों में भी किसान है, इस तरह का आंदोलन क्यों नहीं दिख रहा? देखिए मैं आपको एक स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूँ कि भारत का GDP जो है वो 50% किसान से ही आते हैं। एक तरह से मानिए कि हमारा देश जो चलता है किसान पर चलता है। कृषि प्रधान देश भारत को कहा गया था, कृषि प्रधान देश 1952 में जब आप देखेंगे कृषि की स्थिति, तो उस समय हमारा देश गुलाम था, फिर आज़ाद हुई, और सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी भारत में तो खास करके उनका फोकस था कि कृषि को किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए। और उस समय की मैं बात करता हूँ, उस समय 50% GDP जो होता है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, वो GDP 50% वो किसानों से आता था। लेकिन अभी की आप दौर में देख लीजिए, जिस तरह से उनको तोड़ने का काम किया, उनको लूटने का काम किया गया, उसके बाद उन पे जो थोपने का काम किया गया, धीरे धीरे उनकी GDP घट रही है,
जो भारत एक किसान का भारत कहा जाता था, एक किसान मतलब महात्मा गांधी कहते थे कि अगर भारत का दिल कहीं बसता है तो वो गांव में बसता है। वो इसलिए कहे थे, हमें जो ऐसा लगता है, वो इसलिए कहे थे कि किसान सबसे ज़्यादा गांव में है, गांव में है और किसान से यह देश चलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने पंजाब की बात किया, हरियाणा की बात किया, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, मैं कोई झूठा बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसान है तो किसान पंजाब में है, अगर सबसे ज़्यादा किसान है तो हरियाणा में। तो इसलिए अगर जहाँ पे ज़्यादा जिसकी संख्या होती है और उनके साथ औहित होता है तो वो लोग सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आते हैं। शुरुआती आज़ादी के बाद किसान का से जीडीपी काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो उस समय से लेके अब तक 2014 से पहले तक भी क्यों नहीं किसान की हालत सुधरी? देखिए बिल्कुल सुधरी, मैंने पीछे भी आपको कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी अभी वर्तमान समय में और पूर्व में भी सरकार थी, जितने भी किसान अगर किसान के लिए कोई उसके हित में खड़ा होते थे, किसान की कोई लड़ाई लड़ते थे, किसान पे जितने भी, अब देखिए आज़ादी से पूर्व जितने भी व्यवस्था थी, रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, मुनाफाखोरी थी, किसान के साथ जो उसके महाजनखोरी जिनको कहते हैं, आप इतिहास में पढ़े होंगे, महाजन व्यवस्था थी, महलबाड़ी व्यवस्था, जितने भी व्यवस्थाएँ थी उन व्यवस्थाओं में किसान जो हैं, देखिए सूर्य कानून जो था उस समय, आप ब्रिटिश शासन में आप पढ़ते होंगे या फिर जानते होंगे, तो उसमें उस समय भी कानून होता था, जिसके बाद जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है, उस समय एक तरह से किसानों को लूटा गया, उनके साथ दमन किया गया, आप किसान आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या करके नहीं, मेरी बात पहले ख़त्म होने जा रही, आप बोलिएगा, आप प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो उस समय जितने भी किसान के साथ अनहोनी हुई, जितनी घटनाएं हुई, जितनी आत्महत्या हुई, किसान कर्ज के बोझ के तले दब गया था। कांग्रेस पार्टी जब भारत आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय से अभी तक देख लीजिए कि उस समय भारत तो लूटा हुआ था, भारत में कुछ बचा ही नहीं था, भारत को सजाने का संवारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जो लूटी हुई भारत थी, यहाँ से मुगल पहले राज किया, फिर ब्रिटिशों ने राज किया, भारत को तो एक सोने की चिड़िया जो भारत थी उसको माटी की चिड़िया बना के यहाँ से ब्रिटिश ने लूटा, लूट के ले गया, फिर उस भारत को सजाया गया, उस भारत को सवारा गया, तो आज उस भारत का परिदृश्य आपके सामने है। आपने अभी आत्महत्या की बात करी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आने से पहले रोज तो आत्महत्याएं हो रही थी, उसका ग्राफ काफी हाई है, मैंने भी पढ़ा, आप भी जानते होंगे, तो फिर क्या किसान की हालत कहाँ सुदृढ़ हुई, फिर भी वो उसी हालत में थे और अभी भी उसी हालत में है? देखिए मैं आपको बता दें, आखिर किसान के नाम पे सियासत कब तक, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ सियासत की बात नहीं है, यहाँ किसानों के समर्थन की बात है, उनका जो लागत मूल्य है, जो लागत मूल्य उनको नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसान अपनी भूमि को दूसरे लोगों के हाथों बेच देते हैं, उनका लागत मूल्य उनको अगर मिल जाता है तो किसान एक ऐसी पृष्ठभूमि होती है, किसान एक ऐसा मैदान होता है, मैं मैदान ही मानता हूँ, एक ऐसा मैदान होता है जहाँ से किसी को वो अगर उनकी लगाव अगर किसानी व्यवस्था से है, किसान है वो, तो वो आगे कुछ मतलब अपनी शिक्षा को भी कम करके, अपनी शिक्षा नहीं भी बना के, लेकिन किसानी व्यवस्था को जो पूर्व से चल रहे उनको लागू उनको चलाते हुए आए हैं, करते हुए हैं, तो किसान यही चाहते हैं कि हमारा आगे वाला फ्यूचर, हमारा जो भविष्य है, जो किसानी व्यवस्था है, वो किसानी व्यवस्था मेरे पास बचा रहे, हम अपनी ज़मीनों को दूसरे हाथ नहीं बेचे। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, ठीक है, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसानों को, अब मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे सुन लिया जाए, अगर आप टमाटर की उत्पाद करते हैं, टमाटर आप एक उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिए, किसान से अगर सरकार टमाटर खरीदती है तो टमाटर का मूल्य अगर 10 रुपये किलो है अगर किसान खरीद, लेकिन दूसरे पर तो निर्भर नहीं रहेंगे किसान, सरकार कर देगी, और सरकार उस टमाटर का कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट को बनाकर बेचेगी ना, मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ ना विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं एक समांतर तरीके से जो किसानों के हित की बात कर रहा हूँ कि अगर सरकार उनकी टमाटर को खरीदती है तो टमाटर उनका बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत सारे, जब ये बिजनेस वाले ही सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, तो किसान के लिए MSP ला दे वो सरकार, MSP ला के उनकी न्यूनतम
समर्थन मूल्य पे किया हुआ आप व्यापारियों के हाथ में बेचे, व्यापारी भी उनको मार्केट में अपनी कीमत लगा के बेचेंगे, तो किसान ही क्यों? अगर आप पॉपकॉर्न खाते हैं, मकई 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो सर जाती किसान की, कोई नहीं लेती। आप सिनेमा हॉल में जाके पॉपकॉर्न खाते हैं, एक छोटा सा पॉपकॉर्न आपको पूरे 200 रुपये 400 रुपये 500 रुपये करके मिलता है, तो ये किसानों को फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा फायदा। फायदा किसको हो रही है? वो कंपनी को फायदा हो रही है, वो अडानी अंबानी की कंपनी। मैं आपको एक बात और स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूँ, देश में आप किसानी व्यवस्था अगर ये सरकार ये दमन करते रहे तो किसानी व्यवस्था बचेगी नहीं। अभी देख लीजिए गुजरात जैसे कई और राज्य हैं जहाँ 100-100 एकड़ पे वो कब्जा कर रहे हैं, मतलब सरकार किसान कब्जा नहीं, सरकार कब्जा कर रहे हैं और उस पर कंपनियां खोल रही है। तो आने वाले दिनों में हमें नहीं लगता ऐसा कि किसान के हित में कोई काम करेगी सरकार। जैसा कि आपने बोला कि किसानों का दमन हो रहा है, ये एक तरफ सरकार कह रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है तो किसी किसान का कोई बंजर जमीन है या फिर उसके पास जमीन ज़्यादा है, वो उपजा नहीं पा रहे हैं, तो उसको कोई अपना उसका जमीन लीज पे लेके कॉन्ट्रैक्ट पे लेके उसको उपजा के क्यों नहीं किसानी कर सकते हैं वो लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, किसानी करना कोई बुरी बात नहीं, किसानी करते हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब वो दिन नहीं रहे जो बंजर भूमि में भी, अब वो दिन है कि जब आप देखे होंगे एक फिल्म आई थी बहुत इधर ही, देखिए मैं उसका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो फिल्म जब पहाड़ काट के एक रास्ता को तय किया जा सकता है, एक रास्ता को बनाया जा सकता है, मांझी एक पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बना सकते हैं एक आदमी, तो बंजर भूमि पर क्यों नहीं सोना उगा सकते? बंजर भूमि पर भी सोना उग सकते, लेकिन इसमें सरकार का सहयोग होना चाहिए, सरकार का साथ होना चाहिए, सरकार के साथ साथ किसान का विकास होना चाहिए। लेकिन इस धारा में आप देख रहे हैं कि बंजर भूमि में भी सोना उगाने के लिए किसान चाह रहे हैं, लेकिन उनको तो रोड पे ला दिया गया, उनकी औहित की जा रही है, उन पर लाठी बरसाया जा रहा है, उन पर पानी की फब्बारे बरसाए जा रहे हैं, आंसू के गोले दागे जा रहे हैं, तो फिर किसान कहाँ से बंजर भूमि पर भी सोना उगा पाएंगे? एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या फिर अपने देश के ही जो बिजनेसमैन लोग हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, जिस किसान को किसानी करना नहीं आता या फिर उसके पास जमीन है बहुत ज़्यादा, तो वो क्यों नहीं दे के कर सकते? उसके बदले में उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रुपया तो मिल ही रहा है, देखिए इससे उनका फ़ायदा ही तो हो रहा है। देखिए एक बात बता देता हूँ, आपने कहा किसानी को किसान नहीं करना आता, किसान है तो जिनके पास जमीन है जो उसमें फसल उपजा रहे हैं वो किसान हैं, किसानी करनी नहीं, किसान सब हैं और किसानों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और जहां तक आपने बात की कि देखिए एक होता है हमारे कानून में एक फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको आप मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकार जब वो मेरे मन पे अगर आपकी काबू हो जाएगी, जब आप मेरे मन को आप चलाने लगेंगे, मेरे कार्य प्रणाली को आप चलाने लगेंगे, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका कहाँ पे कोई जगह बन पाता है? तो किसान क्या उनकी अपनी ज़मीन है, किसान क्या करे किसान ना करे इसे सरकार को लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं, किसान का हित कैसे हो इससे सरकार को लेना देना है। सरकार तो यही कह रही है कि ये बिल जो है किसान के हित में है, फिर एक तरफ ये सरकार दावा करते आ रही है कि किसान के हित में है, इससे कि देश में क्रांति आएगी, किसान को लाभ मिलेगा, फिर इतना विरोध क्यों, इतना आंदोलन क्यों? देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्रांति आई थी और यह भी क्रांति की एक रूपरेखा है जो क्रांति ला के रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, वह सब क्रांति कांग्रेस के शासनकाल में आई थी और अभी वो क्रांति इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो क्रांति की तो शुरुआत हुई है, अभी क्रांति किसान रोड पे आए हैं, किसान के साथ साथ आम जनमानस रोड पे आएंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा था मजदूर यूनियन का भारत बंद था, क्यों बंद था? उनके साथ भी अनहोनी हो रहा है, पूरा देश एक दिन एक सड़क से सदन तक आंदोलन होगा और देश में एक बार फिर से क्रांति आएगी। कुछ दिन गोरों से लड़े थे, कुछ दिन अब हम लोग चोरों से लड़ेंगे। ये जो आप आज भारत बंद है इससे तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ ना, आज दो दो एग्जाम्स थे जो कैंसिल हो गए। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब जो कमियां है ये किसी ना किसी को तो क्षति पहुंचेगा ना। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर अन्न के कण रहेंगे, अन्न रहेंगे, अगर मेरे पास अन्न थाली में अन्न नहीं रहेंगे,
हमारे थाली में आज आप देख सकते हैं, हमारे थाली से रोटियां गायब हो रही है, हमारे थाली से अच्छे अच्छे चावल गायब हो रहे हैं, दाल गायब हो रही है। इनका जितना भी है वो दूसरे देश में निर्यात हो जाता है, हमारे देश का जो सामान है वो हमारे देश में नहीं रह पाता। पहले हम सबसे पहले हम पढ़ लिख कर भी, एग्ज़ाम पास करके भी या फिर नौकरी करके भी किस चीज़ के लिए करते हैं, पेटों के लिए करते, बड़े भरण पोषण करते, अपने पेट हमारा भरेगा, भरण पोषण अच्छी होगी तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी, हम अच्छे दाल खाएंगे, अच्छी सब्जियां खाएंगे तो हमारे पोषण जो होंगे, जो मैं थोड़ा सा विज्ञान की बात कर लूँ, अगर भरण पोषण अच्छे होंगे तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छा होगा। तो जब हमारे दाल में, थाली में दाल ख़त्म हो गए, चावल ख़त्म हो गई, रोटियाँ ख़त्म हो गई, जो हम जो सबसे मतलब जो निचला स्तर है सब्जियों का या फिर दालों का या फिर रोटियों का या गेहूँ का जो बच जाता है, जो सरकार उसको आयात नहीं कर पाती, उस चीज़ को हम खा रहे हैं। सबसे पहले हमको भोजन यापन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्ज़ाम हम देंगे, कोरोना काल में आप देखते हैं पूरे साल बच्चों का बर्बाद हो गया, लास्ट साल चल रहा है, पूरे साल बच्चे पढ़े नहीं। पहले जान है तब जान है, पहले भोजन है तब हमारी जान बचेगी, तब इस जान को बचा सकते हैं। इसलिए एक तरफ में बिहार के जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं जो विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ वो विरोध करते हैं कि परीक्षा टाइम पे नहीं लिया जा रहा है, दूसरी तरफ आज भारत बंद है, आज दो दो परीक्षाएँ थी ये कैंसिल हुआ, तो ये दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं परीक्षाएं समय पे नहीं हो रही है, दूसरी तरफ जब परीक्षा हो रही है तो आज भारत बंद है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परीक्षाएं आज कोरोना काल में पूरा एक साल अब होने को है, 25 दिसंबर से शायद चीन में कोरोना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में भारत में कोरोना आ गया था, तो पूरा साल आप देखेंगे कि मैंने तो यह भी मांग किया था, थोड़ा सा मैं किसान बिल से थोड़ा अलग हो जाता हूँ, मैंने तो यह भी मांग किया था कि बच्चों की जो परीक्षाएं हैं, अगर आप कोरोना देश में है और लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं तो बच्चों की परीक्षाएं स्थगित कर दिया जाए, बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट किया जाए, यह मांग सिर्फ NSY ने की थी और ऐसा बहुत सारे विश्वविद्यालय ने किया। एक दिन अगर भोजन के लिए जो आदमी रात में भूखे सोते हैं, जो आदमी दिन भर काम करते हैं रात में उनको अन्न का दाना नसीब नहीं होता है, क्या एक दिन के लिए आज हमारे संघर्ष में वो छात्र वो छात्राएं वो युवा शामिल नहीं हो सकते? आज उन्होंने भी हमारे संघर्ष को समर्थन दिया है, उन्होंने भी सोचा है कि हमारे एक दिन की परीक्षाएं रद्द हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगले दिन परीक्षाएं दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपनी भरण पोषण को, हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने रोजगार को सबसे पहले समर्थन दे, उसके बाद हमारी सारी व्यवस्थाएं जो है वो हम लोग चला रहे हैं और हमारी विपक्ष में भी हैं तो हम लोग उन लोगों के साथ हैं और उन लोगों के कार्य में, उन लोगों के समाधान में हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। एक तरफ अभी किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ आज भारत बंद है, तो क्या लगता है ये जो किसान और अभी जो सरकार है इन दोनों में बातचीत चल रही है, क्या लगता है क्या समाधान निकल पाएगा? देखिए, पहले स्तर की बात पिछले शायद 5 या 6 तारीख को थी तो उसमें कोई समाधान नहीं निकल पाया। मैं सरकार, देखिए हमारा देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें विरोध करना हम लोग का एक मौलिक अधिकार है, हम लोग विरोध कर सकते हैं। सरकार इस जो बृहद रूप ले रहा है भारत में यह आंदोलन, हमको लग रहा है कि किसान के साथ साथ युवा भी अब आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, तो कल इनकी जो मुख्य रूप से जो सरकार के साथ वार्ता है, अगर किसान बिल पे पूरे तरीके से जो उनकी मांग है उनको पूरा नहीं किया जा सकता तो मैं आपको अपनी तौर से बता देना चाहता हूँ कि देश में वही स्थिति आएगी, पूरा देश के लोग, पूरा आम जनमानस, छात्र, युवा, महिलाएं, सब सड़क से सदन तक आंदोलन के लिए उतारे। जब सरकार लिखित रूप में MSP की गारंटी दे देती है तो क्या लगता है आंदोलन खत्म हो सकता है, सब कुछ पैसा हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे अगर मुझे इस चीज़ की मांग है कि मुझे कलम अच्छे लगते हैं, कलम हमें दे दिया जाए,
तो मैं जब एक कलम को पालूंगा, मैं इस मांग को ले लूंगा कि मुझे कलम अच्छे लग रहे हैं, मुझे पेपर अच्छे लग रहे हैं, मुझे पेपर और कलम चाहिए, मैं मांग कर रहा हूं कि मुझे चाहिए, मुझे, मैं छात्र हूं और छात्र नेता हूं, तो मुझे पढ़ने के लिए कलम और पेपर की ज़रूरत है, कलम और किताब की ज़रूरत है, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि छात्र छात्राओं को मुफ्त में कलम और किताब दिया जाए, या फिर उसका जो एक न्यूनतम मूल्य है जो सरकार उसको दिया जाए, जो हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो फिर विरोध क्यों, क्यों विरोध में, विरोध में क्यों आऊँगा मैं उनके साथ मैं, अच्छी बात है कि किसान के बिल को वो MSP को ला दे तो अच्छी बात है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँगा। अभी जनता और पक्ष के लोग भी बोल रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन वहाँ दिल्ली में चल रहा है तो ये शाहीन बाग के तर्ज पे किया जा रहा है, ये कहाँ तक से? देखिए इस बात पे तो हमें हंसी आ रही है, बिल्कुल आपने एक बात की है। देखिए राज्यसभा, लोकसभा, जब इसमें आपके प्रतिनिधि मंडल के लोग हों, आपके लोग हों, तो आप जो बोलेंगे लोगों को तो लोग मानेंगे। सरकार आपकी हो, आप जो करना चाहेंगे वह कर सकते हैं। किसान इतने दिनों से रोड पे हैं, आप जो कर रहे हैं उस पर पुलिसिया दमन कर रहे हैं, उस पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उस पर पानी के गोले बरसा रहे हैं, आंसू के गोले दाग रहे हैं, तो आपकी सरकार, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार उनकी है, आप देख सकते हैं ना, सरकार उनकी है, वो कुछ भी कहें तो लोगों में फ्लैश होती है, लोगों में ये बातें चलती है, तो इसलिए वो कुछ भी कहे, सरकार उनकी है, इसमें हम लोग तो मांग कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने BNP न्यूज को इतना समय दिया। ये थे हमारे साथ रवि जी, इनका साफ साफ कहना है किसान आंदोलन जो है जनहित में है, किसानों के हित में है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग किसान का साथ देते रहेंगे। धन्यवाद।